हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लेक्चर में हम स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है MC∆T, वेयर m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस। जिस सिस्टम में हम आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो उस सिस्टम के अंदर जो सब्सटेंस है उसका m मास होता है। m is the mass of the substance, mass of substance. C is the specific heat, and delta is the temperature difference. That means कोई भी सिस्टम है उसके अंदर अगर जो सब्सटेंस है उसका मास m है, स्पेसिफिक हीट उस सब्सटेंस की सी है। सपोज वाटर है तो वाटर की अपनी स्पेसिफिक हीट होगी, मास होगा। तो अगर आपको हीट ट्रांसफर करना है तो वो डिपेंड करेगा कि मास कितना है। दैट मींस हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के। आपको कितना टेम्परेचर इसका चेंज करना है, पहले कितना टेम्परेचर था बाद में कितना टेम्परेचर करना है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हीट ट्रांसफर करनी। उसी टाइप से उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितनी हीट ट्रांसफर आपको करनी है। तो अगर आपको स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, स्पेसिफिक हीट क्यू डिवाइडेड बाय m delta t, तो स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड ऑफ ए 1 kg सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 degree। स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो आपको चाहिए 1 kg सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 degree सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए। सपोज एग्जांपल से समझाते हैं आपको। सपोज आपके पास वाटर है, सब्सटेंस में ले लिया वाटर। अब वाटर का मास है 1 kg इसका मास है। आपको इसका टेम्परेचर 1 degree राइज करना है। सपोज अभी इसका टेम्परेचर है 20 degree, आपको करना है 21। आपको कितना करना है? सपोज अभी टेम्परेचर 20 है, आपको करना है 21। तो आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसी को उसकी स्पेसिफिक हीट बुलाते हैं। 1 kg सब्सटेंस का 1 degree सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। और हमें पता है वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 4.186 किलोजूल पर केजी केल्विन। दैट मींस 1 kg वाटर का 1 degree सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, 4.186। आप इसको किलोजूल पर केजी केल्विन में भी ले सकते हो, किलोजूल पर डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो, ठीक है। सो वाटर उसी टाइप से एयर के लिए डिफरेंट होगी, डिफरेंट फ्लूड्स के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक हीट होती है। कॉन्सेप्ट यही है कि सब्सटेंस 1 kg मास सब्सटेंस का 1 degree सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसी को उसकी स्पेसिफिक हीट बुलाते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट आपकी दो हो सकती है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यह होती है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। लिक्विड के लिए दोनों बराबर होती हैं। जैसे वाटर की बात करें तो Cp = Cv = 4.186, ठीक है। बट एयर गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। तो अगर गैसेस का हम देखें
तो सी पी, अगर एयर की बात, अगर हम एयर के लिए देखते हैं फॉर एयर सी पी इक्वल टू 1.005 एंड सी वी इक्वल टू 0.718। ओके, सो गैसेस के लिए सी पी और सी वी की वैल्यू डिफरेंट होती है और इन दोनों में रिलेशन होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में और स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए, दोनों में रिलेशन होता है वो देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है किसी 1 kg सब्सटेंस को का टेम्परेचर 1 degree Celsius इंक्रीज करना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है आपको ये करने के लिए, यूनिट डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए, उसी को उसकी स्पेसिफिक हीट बुलाते हैं। वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे भी हो सकती है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे भी। लिक्विड के लिए दोनों बराबर होते हैं सी पी इक्वल टू सी वी, बट गैसेज के लिए डिफरेंट होते हैं। सो गैसेज का देखते हैं अभी इनमें रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर एंड सी पी बाय सी वी इक्वल टू गामा, ये दो रिलेशन होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स इक्वेशन। ओके, तो इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं मेयर्स इक्वेशन को, किस टाइप से देखिए, वी नो दैट एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, जो एंथैल्पी होता है वो क्या होता है इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो फ्लो वर्क। तो और देखिए H, अब प्योर सब्सटेंस के लिए फोर प्योर सब्सटेंस और आइडियल गैस, फोर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा H को क्या लिख सकते हैं हम एम सी पी डेल्टी, ठीक है। अगर डी एच होता है डायरेक्ट लिखेंगे, एच के लिए एम सी पी टी लिख सकते हैं इसे, और यू को क्या लिख सकते हैं हम एम सी वी टी एंड पी वी इक्वल टू एम आर टी, दैट मीन्स एम आर टी। अब यहाँ पर देखिए एम और टी सभी में कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, दैट मीन्स सी पी माइनस सी वी इक्वल टू R is the characteristic gas constant। तो इस टाइप से हम मेयर्स इक्वेशन को ड्राइव भी कर सकते हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। अब यहाँ से हमें ये आइडिया लग रहा है कि सी वी आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है तो सी पी ग्रेटर देन सी वी, अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। सी पी इज ग्रेटर देन सी वी, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और इसका रीजन क्या होता है देखिए, सपोज आप एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सिस्टम ले रहे हो एक कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये स्टॉपर्स हैं, ये स्टॉपर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है V इक्वल टू कांस्टेंट और ये कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम है, तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम V इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों में ही सप्लाई करनी है आपको, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर P इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने दो सिस्टम लिए हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है एक कांस्टेंट प्रेशर लिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे लिया आपने, यहाँ पर जो ऊपर कोई पिस्टन है उसको इस चार बाउंड्रीज आपने क्या कर दिया फिक्स कर दिया, यहाँ पर स्टॉपर लगा के आपने दीज फोर, बट यहाँ पर क्या है तीन बाउंड्रीज फिक्स है आपकी, चौथी ऊपर की तरफ आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है आपका ये ओपन है ये मूव कर सकता है, आप इस टाइप से भी देख सकते हो उसको, सपोज
this is like this. Okay, तो ये हमारा constant volume है, constant pressure. अब दोनों में आपको supply करनी है heat. ठीक है, दोनों में यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही रहेगा आपका, सी का फॉर्मूला तो हमेशा यही रहेगा, Q डिवाइडेड बाय एम डी टी. दोनों सिस्टम में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट प्रेशर में मुझे यूनिट डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए हीट रिक्वायरमेंट कितनी है. देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट प्रेशर में जब मैं हीट सप्लाई करूंगा, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर में जो मेरी हीट है उसका कुछ अमाउंट तो आपका चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, इसको बाउंड्री को मूव करने के लिए. ठीक है, दैट मींस दो पोर्शन इसमें डिवाइड हो जाएंगे, एक तो आपका टेम्परेचर रेज करने के लिए होगा, इंटरनल एनर्जी को रेज करेगा, सेकेंड जो है आपका वॉल्यूम फिक्स नहीं है इसलिए वो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट लगेगा. ठीक है, दैट मींस सेकेंड पोर्शन विल बी वेस्ट इन वॉल्यूम, दैट मींस बाउंड्री वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, बट इस केस में जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में वॉल्यूम फिक्स है, तो कंप्लीट जो भी हीट है वो उसके टेम्परेचर को रेज करने में लग जाएगा. तो इसमें जब हम दोनों में हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें हीट के दो पोर्शन डिवाइड हो रहे हैं, एक तो उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा, सेकेंड जो है वो अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर वर्क कर रहा. ठीक है, बिकॉज ये मूव करेगा बट यहां पर ये फिक्स है तो इसलिए कोई वर्क नहीं करेगा. तो ओपन सिस्टम में जो स्पेसिफिक हीट होगी सीपी, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सी. रीजन यही है कि जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है उसमें आपको अगेंस्ट दी एनवायरमेंट वर्क नहीं करना होता, सभी बाउंड्रीज क्या होती हैं, फिक्स होती हैं. बट कॉन्स्टेंट प्रेशर में कुछ अमाउंट हीट आपकी वेस्ट हो जाती है, आपकी यूटिलाइज होती है कहाँ पर, जो बाउंड्री को मूव कराने में लग जाती है आपकी. ठीक है, बट इसमें कुछ नहीं लगती, इसीलिए सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है सीवीसी. अब देखते हैं मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक गैसेस के लिए सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होता है. देखिए अब इसको डायग्राम में समझते हैं. अभी हम नॉन मोनोएटॉमिक गैस के लिए देखते हैं, नॉन मोनोएटॉमिक गैस. नॉन मोनोटॉमिक गैसेज जैसे कि जिसके अंदर मोर देन वन एटम होता है, मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एटम होता है, उस टाइप की गैसेज को हम बुलाते हैं नॉन मोनोटॉमिक गैसेज. जैसे कि आपका H2O2 Cl2. ठीक है, इस टाइप की गैसेज जहां पे एक से ज्यादा एटम हो मॉलिक्यूल के अंदर उसको नॉन मोनोटॉमिक गैस बुलाते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपका सीपी है, ये आपका सीवी है, और ये गैप क्या होता है. ठीक है, सीपी सीवी क्या होता है. तो टेम्परेचर बढ़ने से आप देख रहे हो यहाँ पर कि सीपी की वैल्यू भी बढ़ रही है सीवी की, बट क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो गामा, ठीक है, सीपी बाय सीवी होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या गामा की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, घटेगी या बढ़ेगी. तो गामा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है एज द टेम्परेचर इंक्रीज. एज टेम्परेचर इंक्रीज गामा डिक्रीज. ऐसा क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से सीपी और सीवी की वैल्यू दोनों बढ़ रही है, बट सीवी की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू सीपी. अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए पहले इसकी वैल्यू थी स्पोर्स, कुछ ऐसा लेते हैं स्पोर्स थ्री, पहले इसकी वैल्यू थी स्पोर्स थ्री डिवाइडेड बाय 1.5. ठीक है, स्पोर्स वैसे एग्जांपल लेते हैं, तो बाद में जब टेम्परेचर बढ़ेगा
तो नीचे ज्यादा बढ़ेगा ऊपर कम पड़ेगा। मान लीजिए 3.5 है और ऊपर नीचे बढ़ गया आपका 3 हो गया है, ठीक है। दैट मीन्स जो गामा है वो सीवी की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है, रेट जो है इंक्रीज का वो सीवी का ज्यादा है एज कम्पेयर टू सीवी, इसीलिए गामा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो क्वेश्चन ये आता है एज द टेम्परेचर इंक्रीज इन केस ऑफ नॉन मोनाटोमिक गैसेज द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट डिक्रीज बिकॉज द रेट ऑफ इंक्रीज इन सीवी इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन सीपी। कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का रेट इंक्रीज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसीलिए गामा की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये हमने बात की है नॉन मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए। अगर इसी को हम इसके लिए देखते हैं, सपोज दिस नाउ फॉर मोनोएटॉमिक गैस, अगर आप देखते हो इसको मोनोएटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस वो होती है जहां पर मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होता है, जैसे नियॉन, हीलियम, आर्गन, ये इस टाइप के गैसेज हैं जिनके अंदर एक ही एटम होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होता है। तो इस केस में आप देखोगे सीपी और सीवी दोनों ही वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट रहती है आपकी सीपी और सीवी। तो सीपी और सीवी कॉन्स्टेंट रहती है इसलिए गामा भी कॉन्स्टेंट रहेगा आपका सीपी बाय सी। टेम्परेचर के साथ सीपी और सीवी की वैल्यू चेंज नहीं होती तो एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट भी आपका क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। सो अगर क्वेश्चन आता है आपका कि एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी या कॉन्स्टेंट रहेगी इन केस ऑफ मोनोटॉमिक गैसेस, तो वो कॉन्स्टेंट रहती है। बट नॉन मोनोटॉमिक गैसेस में क्या होता है कि एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट गामा की वैल्यू डिक्रीज होती है बिकॉज जो सीवी की वैल्यू है उसका रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सीपी। तो ये हमने दोनों देख लिया। अब हम देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या है, व्हाट इज हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, जैसे हमने अभी देखा था एम सी डी टी, तो एम और सी को अगर कंबाइन कर देते हो आप तो इसको बुलाते हैं हीट कैपेसिटी। दैट मींस कैपिटल सी इक्वल टू एम इनटू स्मॉल सी वेयर सी इज द हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो Q डिवाइडेड बाय T। तो अगर C की यूनिट निकालनी है Q डिवाइडेड बाय dT, दैट मींस यूनिट क्या हो गई आपकी किलो जूल पर केल्विन, ठीक है, ये कैपिटल। दैट मींस हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केल्विन और किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस, और जूल जूल में भी ले सकते हो, जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो ये यूनिट होती है हीट कैपेसिटी की, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्पेसिफिक हीट, मास एंड द स्पेसिफिक हीट। सो इस लेक्चर में हमने देखा है कि आपका स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि किसी भी 1 kg सब्सटेंस का 1 degree सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 degree ऑफ ए 1 kg सब्सटेंस। नेक्स्ट हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकती है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे भी हो सकती है, ठीक है, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। लिक्विड में सीपी और सीवी दोनों सेम होते हैं, जैसे वाटर की बात अगर हम करें तो वाटर में सी की वैल्यू सीपी इक्वल टू सीवी इक्वल टू 4.187 ये होती है आपकी किलोग्राम, ये लिक्विड के लिए है, ठीक है, लिक्विड के लिए। गैसेज में डिफरेंट होती है, गैसेज में डिफरेंट, जैसे हमने एयर के लिए देखा था, एयर में सीपी की वैल्यू क्या थी 1.005 और सीवी क्या था 0.718
kilojoule per kg Kelvin, kilojoule per kg Kelvin, ठीक है। तो ये वैल्यूज होती थी। फिर हमने देखा कि मेयर्स इक्वेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू R, उसको ड्राइव कैसे करते हैं। आप इसको एंथैल्पी की हेल्प से ड्राइव करते हैं, H इक्वल टू U प्लस Pv। तो आइडियल गैस के लिए H को क्या लिख सकते हैं, MCT। U को क्या लिख सकते हैं, MCVT प्लस MRT, ठीक है। तो वहां से हमने मेयर्स इक्वेशन ड्राइव की। फिर हमने देखा मोनोएटॉमिक एंड नॉन मोनोएटॉमिक गैसेस के में Cp और Cv में क्या रिलेशन होता है। और लास्ट में हमने देखा कि Cp ग्रेटर देन Cv क्यों होती है और हीट कैपेसिटी क्या होती है। सो थैंक यू।